तो भाई लोग आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, अगर नहीं चला है तो मैं बता देता हूँ कि एक जॉन विक टाइप मूवी आने वाली है जिसका नाम है मंकी मैन, जिसके अंदर अपने बजरंगबली के रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखते रहना। भाई इस ट्रेलर को देख के सच में मजा आ गई। इस मूवी के डायरेक्टर और एक्टर देव पटेल है, जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा बोली और सुने जाने वाली मूवी द लास्ट बिंडर और कैपी है। अब भाई व्याकरण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो आपके हिसाब से देख लेना। इस मूवी की स्टोरी में भी कुछ ऐसी हो सकती है कि देव जब छोटा बच्चा था तब उनके गाँव में किसी ने आग लगा दी, जिसके अंदर उसकी माँ भी खत्म हो गई थी। पर क्योंकि देव तब छोटा बच्चा था तब वो कुछ कर नहीं पाया, और बाद में जाके उसको पता चलता है कि उसके गाँव में जिसने भी आग लगाई है वो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर वगैरह है। उसके बाद में देव भाई बदले की आग में बड़ा होता है, वो सिटीज में जाता है उस पॉलिटिकल लीडर को ढूंढने के लिए, वहाँ पे एमएमए फाइट वगैरह करता है, जिसके बाद में उसको कुछ रेफरेंस मिलते हैं उस पॉलिटिकल लीडर के, जिसके बाद में वो क्लब में काम करने के लिए जाता है जो कि आई थिंक उस लीडर का ही है। अब देव धीरे धीरे करके उस पॉलिटिकल लीडर के पास पहुंचने की ट्राई करेगा, उसके हाथ के नीचे जो भी बंदे काम कर रहे होंगे उसको मारने की ट्राई करेगा। और मूवी में हमको हनुमान जी के काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस दिए गए हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो देव वहाँ पे क्लब में जाए और वहाँ पे तोड़फोड़ करे, आग वगैरह लगा दे, और जो भी उसका सेनापति है कि जो भी वो इंस्पेक्टर है उसको मार डाले। और यहाँ पे हमको जॉन विक टाइप एक्शन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। और भाई शायद तक से यहाँ पे कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि देव को बाद में पता चलेगा कि वो जो पॉलिटिकल लीडर है वो इसका बाप निकलेगा, पर देव को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उसने इसकी माँ को मारा मतलब ये वापिस उसको मारेगा। इस मूवी के अंदर जो भी देव और उसकी माँ का इमोशनल एंगल दिखाया गया है, बजरंगबली के जितने भी रेफरेंसेस दिखाए गए हैं वो सब बॉलीवुड की स्पेशलिटी है, और जो भी एक्शन वगैरह दिखाए गए हैं जॉन विक वाले वो सब हॉलीवुड की स्पेशलिटी है, तो ये काइंड ऑफ परफेक्ट मूवी हो सकती है। इस मूवी के अंदर जो वो ऑटो वाला सीन है, या फिर वो जो देव खिड़की के बाहर कूदने की ट्राई कर रहा है लेकिन उससे खिड़की नहीं टूट रही है, ये दिखाता है कि भाई देव भले ही कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन कमियां उसके अंदर भी है, आखिर वो भी एक इंसान है, जो कि मूवी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। हाँ मैं मानता हूँ कि इस ट्रेलर के अंदर आपको ऐसे भी बहुत सारे सीन देखने को मिले होंगे जहाँ पे आपको ये लगता होगा कि नहीं यार ये जॉन विक की कॉपी बनाई हुई है, लेकिन चलेगा, इट्स ओके, क्योंकि इन लोगों ने अपनी भी चीज़ें अंदर डाली है, कंप्लीट कॉपी नहीं की है अपना भी डाल के, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ स्टीलिंग। अगर हम लोग ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो हाँ भाई मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, कमियाँ हैं इसके अंदर लेकिन अभी मैं मूड ख़राब नहीं करना चाहता मेरा खुद का और आपका भी। मूवी आएगी तब हम लोग गिनवाएंगे अच्छे से नेगेटिव पॉइंट भी, अभी चिंता मत करो आप लोग। बजरंगबली के रेफरेंस भी मस्त दिए गए हैं, देवू को उसकी माँ बचपन में भी रामायण की किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी, और मूवी की थीम भी कुछ कुछ ऐसी ही होने वाली है। मूवी भाई टोटल 300 करोड़ के अराउंड बनी है, और इन भाई का थैंक यू बोलो क्योंकि इनकी वजह से ये मूवी हमको थिएटर के अंदर देखने को मिलेगी, वरना भाई सीधा नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलती। चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में, इस मूवी के ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, मतलब लाइक कर देना, और ग्रे एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कर देना।